हाय नमस्कार। सो इम्पॉर्टेंट जानकारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब थर्ड राउंड आ गया है। देखिए मैंने कई बार कहा कि मैं बिज़ी हो गया था, तो अपने क्लाइंट्स को तो हम बता के रखते हैं, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स नहीं थे, देखिए 2023 में जब रूल चेंज हुए थे तो एक और रूल भी चेंज हुआ था, और वो लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। जब चौथा राउंड जिसे स्ट्रे मॉपअप कहते हैं, उसमें वही जा सकता है या वही फॉर्म भर सकता है अक्रॉस इंडिया, जिसको किसी भी जगह में राउंड 3 तक मॉपअप वर्ड तो है ही नहीं ना नई काउंसलिंग में, सीट अलॉट भी ना हुई हो। हम ज्वाइन की बात नहीं कर रहे हैं, अलॉट भी। तो अगर आपको कहीं पर भी अलॉटमेंट लेटर भी मिला है तो आप स्ट्रे में नहीं जा पाएंगे। तो जो भी ऐसे लोग जिनको अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है, आप ये प्लानिंग ये सोच के करिएगा कि आप स्ट्रे में नहीं जा सकते, तो जो भी करना है राउंड 3 में कर लीजिएगा, चाहे MCC राउंड 3 में कीजिए, चाहे स्टेट्स राउंड 3 में कीजिए। बट अब आप वो प्ले नहीं कर सकते कि देख लेंगे जी, और स्ट्रे भी देख लेंगे, स्ट्रे में भी सीटें आती हैं। तो जो अभी तक तो बिल्कुल खाली है, एक बार भी अलॉटमेंट नहीं हुई है, वो भी राउंड 3 में सोच समझ के भरेगा। मेरे भी कुछ दो क्लाइंट हैं जो इस में है, तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि शायद आप सबको भी जानकारी की जरूरत होगी। तो ज़बरदस्ती कोई फॉर्म मत भर दीजिएगा देखने के लिए कि मन तो मेरा सिर्फ यहीं पर है, थर्ड राउंड में नहीं मिलेगा तो मैं स्टे में जाना चाहता हूँ। फिलहाल मैं ना सेफ्टी के लिए ये 2-3 फॉर्म और भर देता हूँ। उन 3 फॉर्म मतलब 3 काउंसलिंग में कहीं पर भी सीट अलोकेट हो गई, आपने ज्वाइन नहीं करी, तो प्रैक्टिकली आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, क्योंकि राउंड 4 का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, वो इतना काटा जाता है, इतना अब सिस्टम चलते हैं इनके आपस में डेटा शेयर के। राउंड 4 में सीट अलोकेट हो जाए और आप ना लो, तो आप अगले साल नीट से डिबार हो जाते हो, अगर आपको वो रूल पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन राउंड 3 तक भी अगर आपको अलोकेट हो गई है तो आप स्ट्रे में बैठ ही नहीं पाओगे। तो बहुत ध्यान से, और जो लोग अभी तक जिनको कोई भी अलॉटमेंट हो चुकी है, आप ये ध्यान रखिए कि आप स्ट्रे में तो जा ही नहीं सकते, तो राउंड 3 में कहीं ना कहीं सीट पकड़ लीजिए। और जिन्होंने अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वो स्ट्रे के लिए तब एलिजिबल रहेंगे जब राउंड 3 में सोच समझ के सिर्फ वही फॉर्म भरिए जो सीट आपको लेनी है। कई बार बंदा सोचता है ना, अभी देख लेते हैं जी, लाख रुपए की बात है, डिपॉजिट की ख़राब कर देंगे, लेकिन फिर वो आप स्ट्रे में नहीं जा पाओगे। और ये अक्रॉस काउंसलिंग है, ये सिर्फ आप उस पर्टिकुलर काउंसलिंग से डिबार नहीं होंगे, पूरी इंडिया से डिबार हो सकते हो, हर स्टे काउंसलिंग से, जहाँ पर भी आपको, अगर आपको एक बार अलॉटमेंट हो गई तो बहुत सोच समझ के राउंड 3 में आपने फॉर्म भरने हैं। और जो जिनको पहले अलॉटमेंट हो चुकी है, वो तो बिल्कुल स्ट्रे के भरोसे नहीं बैठ सकते। आई होप ये जानकारी आपके काम आएगी, ध्यान रखिएगा, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। और हमारी पेड सलाह लेना चाहते हैं, 9643362320 नंबर है, मिनिमम चार्जेस 5,000 रुपये हैं उससे बात करने के, और नॉर्मल काउंसलिंग 50,000 रुपये, NRI मैनेजमेंट नेगोशिएशन BG वेव ऑफ 1.5 लाख रुपये, तभी आपसे संपर्क कीजिए जब आप ये फीस अफोर्ड हमारी कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, ताकि आपको जानकारी मिल जाए और आप अपनी हेल्प या जो भी आपके फ़िलहाल काउंसलर्स हैं वो आपकी मदद कर सकें। बाय, टेक केयर।